हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए डीएमआरसी का एक आरटीआई अप्लाई 2022 का जो वीडियो है वो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, ये जो आरटीआई है वो मैंने आज ही अप्लाई कर दिया है। अब दोस्तों, इसका जो जवाब है वो मिनिमम 30 दिनों के अंदर जो है हमारे पास में आ जाएगा। हालांकि दोस्तों, 30 दिन का जो समय है वो दिया जाता है, लेकिन 20 दिन के अंदर ही इसका जो जवाब है वो आ जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही जवाब आएगा आपको वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस आरटीआई में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं वो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और दोस्तों, नई भर्ती से जुड़े हुए क्वेश्चन भी यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, आपने देख लिया है कि यहाँ पर जो आरटीआई अप्लाई 2022 का जो वीडियो है वो आपके सामने आ चुका है। और दोस्तों, अब जो है मैंने यहाँ पर लगभग 6 क्वेश्चन जो है यहाँ पर अप्लाई किए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला वाला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी पोस्ट हैव बीन फिल्ड सो फार इन 2019 रिक्वायरमेंट। यानी कि दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो दिल्ली मेट्रो है उससे पूछा है कि जो 2019 की जो भर्ती थी डीएमआरसी में, उसमें से अभी तक कितने पदों को यहाँ पर भरा गया है, यानी कि कितने पदों को भरा जा चुका है और कितने अभी भी वेकेंट है, यानी कि 2019 की भर्ती में से। फिर दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर पूछा था कि आउट ऑफ द 2019 रिक्वायरमेंट हाउ मेनी पोस्ट हैव नॉट बीन मेडिकल सो फार। तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में मैंने डीएमआरसी को पूछा है कि जो 2019 की जो भर्ती थी उसमें से अभी तक कितने पदों का यहाँ पर जो मेडिकल है वो नहीं हुआ है, उसकी यहाँ पर मैंने सभी पदों की जो जानकारी है वो मांगी है। साथ ही दोस्तों, जो तीसरा क्वेश्चन है वो मैंने पूछा है, व्हेन विल द मेडिकल फॉर द रिमेनिंग पोस्ट इन 2019 रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूछा है कि जिन पदों का मेडिकल बचा हुआ है 2019 की भर्ती का, उनका मेडिकल कब तक यहाँ पर होगा। और दोस्तों, जो चौथा क्वेश्चन है उसमें पूछा है, दिल्ली मेट्रो इज रिक्रूटिंग द पोस्ट बाय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट इन एन इंटरनल ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैंने डीएमआरसी को पूछा है कि जो दिल्ली मेट्रो है वो कितने सालों के अंतराल में जो सीधी भर्ती है उसका आयोजन यहाँ पर करती है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय से, यानी कि 2019 के बाद में अब तक जो डीएमआरसी है उसमें नया रिक्वायरमेंट नहीं आया है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर डीएमआरसी से पूछा है कि कितने मिनिमम कितने सालों के अंतर्गत जो डीएमआरसी है यहाँ पर नया रिक्वायरमेंट जारी कर देती है। और दोस्तों, यहाँ पर जो पाँचवा क्वेश्चन है उसमें मैंने पूछा है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी पोस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज आर वेकेंट इन दिल्ली मेट्रो। तो दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली मेट्रो को मैंने पूछा है पांचवें क्वेश्चन में कि वर्तमान में अभी, यानी कि सभी कैटेगरियों में कितने पद वेकेंट पड़े हैं, वो भी दिल्ली मेट्रो में। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर पूछा है, व्हेन विल द न्यू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट इन दिल्ली मेट्रो कम। तो दोस्तों, इस छठे क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि दिल्ली मेट्रो में नया रिक्वायरमेंट कब तक आने वाला है। हालाँकि दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो कई बार मैंने दिल्ली मेट्रो को पूछ लिया है, लेकिन डीएमआरसी ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। हर आरटीआई में डीएमआरसी यही कहती है कि आप ऑफिशियल साइट को चेक करते रहें और नई वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में दिल्ली मेट्रो कभी नहीं बता सकती आपको। लेकिन दोस्तों, इस बार भी मैंने वापस से यही क्वेश्चन एक बार अप्लाई कर दिया है कि कब तक नई वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो 6 क्वेश्चन है वो मैंने डीएमआरसी को अप्लाई कर दिए हैं। और दोस्तों, मिनिमम 30 डेज यानी कि 30 दिनों के अंदर जो है यहाँ पर इसका जवाब आ जाएगा। और दोस्तों, इसकी जल्द ही वीडियो आपको जो है बना करके बता दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी डीएमआरसी में न्यू वैकेंसी आने के कम चांस है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे पदों का यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो 2023 कर दिया गया है। इसका मतलब दोस्तों, डीएमआरसी में अभी जो मेन पावर है उसकी आवश्यकता नहीं है और नया रिक्वायरमेंट आने के जो कम चांस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर दोस्तों, जो चौथा फेज है डीएमआरसी का, अगर वो चालू हो जाता है तो दोस्तों उसके लिए जल्द ही यहाँ पर जो नया रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। और दोस्तों, इसी तरह डीएमआरसी की पल पल की अपडेट के लिए और नई रिक्वायरमेंट यानी कि मेट्रो की नई वैकेंसी की पल पल की अपडेट के लिए एमकेएन अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।